हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। पेगासस जासूसी मामले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ या नहीं यह सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं। जी हां, आपको बता दें कि पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कथित पेगासस जासूसी मामले में स्वतंत्र जाँच की मांग वाली याचिकाओं पर वह विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का इच्छुक नहीं है। केंद्र ने कहा कि उसके पास छिपाने को कुछ नहीं है और इसी वजह से उसने अपनी ओर से विशेषज्ञों की समिति का गठन करने की बात कही है। किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है या नहीं यह सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है। पेगासस जासूसी मामले पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहते हैं कि सरकार लिखकर दे कि वह सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है या नहीं। हमारा मानना है कि हलफनामा दाखिल कर इस पर बहस नहीं कर सकते। आईटी एक्ट की धारा 69 सुरक्षा के लिहाज से सरकार को निगरानी की शक्ति देती है। हम निष्पक्ष कमेटी बनाएंगे। इस पर सीजीआई ने कहा कि हमें जानना है कि क्या कोई भी स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर सकता है, क्या इसका इस्तेमाल सरकार ने किया है, क्या यह कानूनी तरीके से हुआ है। सरकार अगर हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहती है तो हमें आदेश पारित करना पड़ेगा। WHO इस हफ्ते भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को दे सकता है मंजूरी। जी हां, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO इस हफ्ते भारत बायोटेक की कोरोना वायरस रोधी वैक्सीन कोवैक्सीन को इस हफ्ते अपनी मंजूरी दे सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कोवैक्सीन को अब तक इमरजेंसी यूज लिस्टिंग नहीं मिली है। इसके लिए भारत बायोटेक ने संगठन के पास जुलाई महीने में सभी जरूरी दस्तावेज और ट्रायल से जुड़े हुए डेटा उपलब्ध करा दिए थे। अब सूत्रों का कहना है कि WHO इसी हफ्ते कोवैक्सीन को WHO इजाजत दे सकता है। कोवैक्सीन की इमरजेंसी यूज के लिए तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जा रही थी। WHO की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने जुलाई में बताया था कि तकनीकी विशेषज्ञ समिति डोजियर की समीक्षा कर रही है। नीट खत्म, 12वीं की मेरिट पर छात्र बन सकेंगे डॉक्टर, तमिलनाडु विधानसभा में बिल पास। जी हां, नीट परीक्षा से पहले सलेम के रहने वाले मेडिकल छात्र की आत्महत्या का मामला तमिलनाडु विधानसभा में गूंजा। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए विधानसभा में नीट एग्जाम को रद्द करने के लिए एक विधेयक पारित किया। इस विधेयक में कहा गया कि MBBS या BDS की प्रवेश परीक्षा के लिए 12वीं कक्षा के अंकों को आधार बनाया जाता है। विधानसभा में सरकार के इस विधेयक का अन्नाद्रमुक ने समर्थन किया तो वहीं भाजपा ने इस विधेयक का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया। इस विधेयक में सरकार ने राष्ट्रपति से प्रदेश के मेडिकल स्टूडेंट्स को नीट एग्जाम में स्थायी तौर पर छूट देने की मांग की है। आपको बता दें कि प्रमुख विपक्षी दल अन्नाद्रमुक ने सरकार को निशाना बनाया, जबकि मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने राज्य में नीट परीक्षा आयोजित नहीं करवाने और मेडिकल पाठ्यक्रमों में कक्षा 12वीं के प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश देने के लिए एक विधेयक पेश किया। मध्य प्रदेश में कॉलेज में अब होगी हिंदू धर्म की पढ़ाई, इसी सत्र से नया पाठ्यक्रम होगा लागू। जी हां, मध्य प्रदेश के कॉलेज में अब हिंदू धर्म की पढ़ाई कराई जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि कॉलेजों में अब छात्र भगवान राम, हनुमान और तुलसीदास की जीवनी पढ़ सकेंगे। इसी के साथ ही वेद, उपनिषद और पुराणों की भी शिक्षा दी जाएगी। मोहन यादव ने बताया कि कॉलेजों में BA के प्रथम वर्ष में दर्शन शास्त्र में नया पाठ्यक्रम जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि BA के छात्रों को वैकल्पिक विषय के तौर पर दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी सत्र से नई शिक्षा नीति के तहत नया पाठ्यक्रम लागू होगा। मोहन यादव ने कहा कि भविष्य में बुरी शक्तियां धर्म को नुकसान ना पहुंचा पाए, इसलिए नैतिक और धार्मिक शिक्षा देना जरूरी है। मिली जानकारी के अनुसार नए पाठ्यक्रम संबंधी आदेश शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। नए पाठ्यक्रम में छात्रों को महाभारत, रामचरितमानस, योग और ध्यान के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। भूपेंद्र पटेल ने ली गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ, करीब 15 महीने बाद राज्य में होने वाले हैं चुनाव।
जी हां, बीजेपी विधायक भूपेंद्र पटेल ने राजभवन में गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से करीब 15 महीने पहले विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया है। 59 साल के भूपेंद्र पटेल को सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था। भूपेंद्र पटेल अब गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री हैं। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव अगले साल दिसंबर में होने वाले हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भूपेंद्र पटेल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल समेत बीजेपी के तमाम नेता शामिल हुए। मध्य प्रदेश, गोवा, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी यहां पर शामिल हुए। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति हुई तेज। राहुल गांधी बोले, तुम हिंदू, सिख, ईसाई न मुसलमान के हो न ही देश के हो। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति तेज हो गई है। खास तौर से राजनेता हिंदू मुसलमानों को लेकर बयानबाजी करते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने हिंदू मुसलमानों को लेकर एक ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने किसी पार्टी या फिर नेता का नाम लिए बगैर एक ट्वीट किया है और लिखा है कि तुम हिंदू, सिख, ईसाई न मुसलमान के हो, बस मित्रों के हो, न देश न ही इंसान के हो। जी हाँ, आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कुशीनगर और संत कबीर नगर जिलों में समाजवादी पार्टी पर बिना नाम लिए तीखा प्रहार किया था। सीएम योगी ने आरोप लगाया था कि अब्बा जान कहने वाले गरीबों की नौकरी पर डाका डालते थे, पूरा परिवार झोला लेकर वसूली के लिए निकल पड़ता था। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे, राशन नेपाल और बांग्लादेश पहुंच जाता था। आज जो गरीबों का राशन निकलेगा वह जेल चला जाएगा। कर्नाटक के विधायक का दावा, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के लिए मिला था पैसों का ऑफर। जी हां, आपको बता दें कि कर्नाटक के बीजेपी विधायक श्रीमंत बालासाहेब पाटिल ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैं जब कांग्रेस पार्टी में था और राज्य में जेडीएस कांग्रेस की सरकार थी, तब बीजेपी में शामिल होने के लिए मुझे पैसे का ऑफर दिया गया था। पाटिल ने दावा किया कि मैं जितना मांगता उतना मुझे मिलता, लेकिन मैंने उनसे लोगों की सेवा करने के लिए मंत्री पद देने के लिए कहा था। श्रीमंत बालासाहेब पाटिल ने कहा कि मैं बिना पैसे के लिए बीजेपी में शामिल हो गया। मुझसे पूछा गया कि कितना पैसा चाहिए, लेकिन मैंने पैसा लेने से इनकार कर दिया। मैंने लोगों की सेवा के लिए मंत्री पद मांगा। मुझे नहीं पता कि मौजूदा सरकार में मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, लेकिन मेरे से वादा किया गया कि मैं अगले विस्तार में मुझे मंत्री पद दिया जाएगा। आपको बता दें कि श्रीमंत बालासाहेब पाटिल कर्नाटक के कागवाड़ क्षेत्र से विधायक हैं। वह पहले कांग्रेस में थे, लेकिन जुलाई 2019 में वह पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए। बालासाहेब पाटिल उन 16 विधायकों में से एक हैं जो कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान ने काबुल के लिए भरी पहली उड़ान। जी हां, आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर पिछले महीने तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान ने काबुल के लिए पहली उड़ान भरी। एयरलाइंस के प्रवक्ता अब्दुल्ला एच खान ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बोइंग 777 फ्लाइट नंबर PK6429 ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद से उड़ान भरी। वर्ल्ड बैंक के इस कॉमर्शियल चार्टर्ड फ्लाइट में बैंक के अधिकारी और पत्रकार शामिल थे। बाद में विमान इस्लामाबाद लौट आया। काबुल से विदेशी नागरिकों की वापसी और 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से लोगों की बड़ी संख्या में इवैक्यूएशन के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का यह पहला विमान था जिसने काबुल में लैंड किया। अब्दुल्ला एच खान ने रॉयटर्स को बताया कि यह स्पेशल चार्टर्ड कॉमर्शियल फ्लाइट थी। उन्होंने बताया कि हमने अन्य व्यक्तियों की भी व्यवस्था की जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते थे, क्योंकि हमारे पास विमान में जगह थी। बंगाल हिंसा की सीबीआई जांच का राज्य सरकार ने किया विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई एक हफ्ता तक टाली। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि वह राज्य में हुई हिंसा की सीबीआई जांच के विरोध में एक संक्षिप्त नोट जमा करे। राज्य सरकार ने चुनाव बाद हुई हिंसा की जांच सीबीआई और एसआईटी से कराने के हाई कोर्ट के आदेश का विरोध किया था। दरअसल उसका कहना था कि यह आदेश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है। उस टीम में सभी लोग राज्य सरकार के विरुद्ध पूर्वाग्रह रखने वाले थे। जस्टिस विनीत सरन और अनिरुद्ध की बेंच
के सामने दलील रखते हुए ममता बनर्जी सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मानवाधिकार आयोग की जांच टीम बीजेपी की जांच टीम जैसी थी, उसमें बीजेपी के महिला मोर्चे की नेता को भी रखा गया था। उन्होंने आगे कहा कि हाईकोर्ट ने यह भी तय नहीं किया कि वह जांच टीम किस तरह से जानकारी जुटाएगी। राज्य सरकार की आपत्तियों को ठीक से सुने बिना आयोग की रिपोर्ट पर मामला सीबीआई और एसआईटी को सौंप दिया गया। इस पर जजों ने सिब्बल से कहा कि वह एक संक्षिप्त नोट जमा करे, इसमें जांच टीम के सदस्यों के नाम और उस पर राज्य सरकार की आपत्ति के बारे में बताया जाए। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पोते इंद्रजीत सिंह बीजेपी में हुए शामिल, कहा दादा की मनोकामना पूरी हुई। जी हां, पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पौत्र इंद्रजीत सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर बीजेपी महासचिव और पंजाब के प्रभारी दुष्यंत गौतम, पार्टी के मीडिया विभाग के प्रभारी व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह भी उपस्थित थे। इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद इंद्रजीत सिंह ने कहा कि लंबे समय बाद आज उनके दादाजी ज्ञानी जैल सिंह की मनोकामना पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने उनके साथ सलूक किया, उनका दिल दुखाया, उनकी वफादारी का क्या सिला दिया, आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वह उसे पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा और पूर्वी गुजरात के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश के साथ एक दो स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अलग अलग हिस्सों, विदर्भ और कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तटीय कर्नाटक, केरल, मराठवाड़ा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, दिल्ली, पूर्वोत्तर भारत, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों और आंतरिक कर्नाटक में हल्की बारिश हो सकती है। आज का सुविचार। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, जिंदगी में मुश्किलें आपको खत्म करने के लिए नहीं आती, वे इसलिए आती हैं ताकि आपको अपने अंदर छिपी ताकत का एहसास हो सके। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।